नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक फेस मास्क अनिवार्य करता है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना। कर्नाटक में कन्नड़ संगठनों ने अजय देवगन के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिंदी को लेकर अजय देवगन सुदीप के बीच विवाद, मुंबई ने क्षेत्रीय भाषा को तरजीह दी। सीएम बसवराज बोम्मई ने लोगों या वाहनों की आवाजाही पर अनावश्यक अंकुश लगाने से इनकार किया और कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि फेस मास्क जनादेश सख्ती से लागू किया जाए। पुराने मैसूर क्षेत्र में 2023 चुनावों के लिए बीजेपी कमर कस रही है। केईए पेपर लीक, कर्नाटक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी की संभावना। कर्नाटक 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, सीएम बसवराज बोम्मई। थाई एयरवेज के विमान का टायर फटा, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 150 यात्री बाल बाल बचे। बेंगलुरु टीबीएम ऊर्जा ने एक दिन में 27 मीटर टनलिंग का काम पूरा किया। बेंगलुरु में करंट लगने से हुई मौत पर सीएम ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक तनाव के बीच नवविवाहित हिंदू युवाओं ने दक्षिण कन्नड़ में मस्जिद में इफ्तार पार्टी की मेजबानी की। पीसीआई परीक्षा घोटाला नतीजा, कर्नाटक एडीजीपी अमृतपाल का तबादला। भगोड़े दिव्या हगरगी की संपत्ति पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, कर्नाटक एचएम अरागा ज्ञानेंद्र का कहना है। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार, भाजपा विधायक का उपहास, मंत्रियों पर साधा निशाना। अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे 81 कर्नाटक नौकरशाह। ईंधन कर में कटौती पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था को भी देखना चाहिए। अब 40% कमीशन विवाद कर्नाटक पर्यटन विभाग को प्रभावित करता है। बेंगलुरु गांजा बेचने के आरोप में 4 में से 3 छात्र गिरफ्तार। हिंदी कभी राष्ट्रभाषा नहीं थी, मुझे कन्नड़ होने पर गर्व, भाषा विवाद पर सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक कोविड, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेंगलुरु के शीर्ष डॉक्टर ने कहा, चौथी लहर की आशंका। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।